इंडिया न्यूज 24 टीवी में आपका स्वागत है। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ हनुमानगढ़ में सफदर हाशमी के पुण्यतिथि पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें हनुमानगढ़ के नाट्य मंच के कलाकार, गायक कलाकार, कवि और कॉमेडी कलाकारों ने भाग लिया। मंच संचालन बहादुर सिंह चौहान ने किया। गिरिराज शर्मा हास्य कविताओं के साथ लोगों को खूब हंसाया। बीएस पेंटर संजय शर्मा, नूर आलम, रामचंद्र अपनी कविताएं पढ़ी, सफदर हाशमी को याद किया और उनके द्वारा लिखे गए नाटकों पर भी चर्चा की गई। हनुमानगढ़ से धर्मपाल बसीर की रिपोर्ट। फ्लिकर शायरी के तुम किस गुमान में हो, गुरु भगत फ्लिकर शायरी के तुम किस गुमान में हो, जो सबके लिए नवाजा खुदा ने, तुम भी उसी जहान में हो, जो सबके लिए नवाजा खुदा ने, तुम भी उसी जहान में हो। कि अभी तो कलम उठाई है तुमने, कि अभी तो कलम उठाई है तुमने और रोने लगे आसमान में हो, एक अलग ही दुनिया है शायरों की, तुम बैठे छोटे से मकान में हो। हजारों दिनों की बात छोड़ो, क्या एक दिल की पहचान में हो, शायरी को नहीं जो तुम लिखते हो, शायरी ईश के कुर्बान से हो, गुरु दुहत लिखकर शायरी के तुम किस गुमान में हो। और एक मैंने शायरी हुई है, शायरी के अंदर काफ़ी पावर होती है अगर हमें उसी तरीके से लिखना आता है, तो इसके ऊपर ही मैंने एक चीज़ लिखी है कि शायरी लफ्जों से खींच दिलों में लकीर आए हैं, शायरी लफ्जों से खींच दिलों में लकीर आए हैं, दर खोल हमें वफाई दे इश्के फकीर आए हैं, दर खोल हमें वफाई दे इश्के फकीर आए हैं। मुंतजर बैठे तन्हाइयों का भूल कोई तदबीर आए हैं, हम थोड़े ठहरे वो सब पे